नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सरकारी काम से जुड़े कर्मियों और अफसरों के खिलाफ अक्सर भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी काम से जुड़े अधिकारियों को लेकर आय से अधिक संपत्ति होने की बात भी कही जाती है, जिसके कारण सरकार को कई बार किरकिरी का सामना करना पड़ा है और अपने ही लोगों के हाथों मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि अब भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मी अफसर पर सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है। यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जारी किए गए आदेश के बाद अब बिहार में ऐसे अधिकारी को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने अब तक अपने आय के बारे में जानकारी साझा नहीं की है। नीतीश सरकार अपने कार्यकाल में हमेशा से अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करने के लिए जानी जाती रही है। यही कारण है कि समय समय पर ऐसे अफसरों को लपेटे में सरकार लेती रही है जिन्होंने अब तक अपनी संपत्ति की जानकारी साझा न की हो। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, संपत्ति का ब्यौरा देने का बिहार सरकारी सेवक आधार नियमावली 1976 में स्पष्ट उल्लेख है। इसमें कई संशोधन भी किए जा चुके हैं। इसके अनुसार सरकारी सेवकों का संपत्ति छिपाना गंभीर अपराध है। इसके लिए विभागीय कार्रवाई के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। इसी कड़ी में अब सरकार ने एक बार फिर से वैसे अफसरों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जिन्होंने बार बार समझाने के बावजूद अब अपनी संपत्ति को सार्वजनिक नहीं किया हुआ है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर सरकार अब कार्रवाई करने वाली है। इसको लेकर बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है। लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि सरकारी सेवक द्वारा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा और खरीद बिक्री की जानकारी देने का प्रावधान पहले से ही बिहार सरकार के अधीन मौजूद है। इसी साल 25 मार्च 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी की थी, लेकिन इसके बावजूद कई स्तरों पर इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। आदेश की अनदेखी अफसरों के बीच भारी मात्रा में देखने को मिल रही है। ज्ञात हो, सरकारी आदेश के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को दिसंबर के साथ ही फरवरी तक अपनी संपत्तियों और इससे संबंधित जानकारी सरकार को दे देनी थी, जिसमें विरासत में मिली संपत्ति की जानकारी भी शामिल है। लेकिन बार बार गाइडलाइन जारी करने के बावजूद कई ऐसे कर्मचारी हैं जो सरकारी आदेश की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों पर ही निशाना साधने की तैयारी अब बिहार में शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सभी सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा सरकार द्वारा तय मापदंड के अनुसार ही देना है और इसके बिना फरवरी का वेतन भुगतान नहीं करने का प्रावधान है। खुद या परिवार के किसी सदस्य के नाम से अचल संपत्ति, जिसमें जमीन, मकान, फ्लैट, गाड़ी आदि सभी को शामिल किया गया है, इन संपत्तियों को खरीदने के एक महीने के अंदर ही सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही सरकारी सेवकों को अपने दो महीने के वेतन से अधिक की राशि के सामान की खरीद फरोख्त की भी जानकारी एक महीने के अंदर देनी होगी, जिसमें सरकारी खेमे में जारी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि समय समय पर सरकारी खेमे से आय से अधिक संपत्ति को लेकर खुलासे होते रहे, जिससे सरकार की निंदा तो हुई है, आम आदमी के पैसे किस तरह से कालाधन बनकर इनके बैंक खातों में जा रहे हैं ये भी देखने को मिला है। हालांकि सरकार की सख्ती के बाद भी अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सरकारी कर्मचारी आगे आकर अपने आय की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।